मॉर्निंग क्लास नाइन विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज और यह चैप्टर 12वां चैप्टर है और जो शीर्षक है जिस शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह कैरी और कोकिला नामक पाठ के प्रश्न और उत्तर। यह इस शीर्षक का सेकंड भाग है। इससे पहले वाले फर्स्ट भाग में मैंने इसके जो लगभग 6 प्रश्न थे उनके उत्तरों की अच्छे से व्याख्या की, उनके बारे उन प्रश्नों का उत्तर बताया। अब मैं जो और बचे हुए हैं आपके प्रश्न और उत्तर उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है यह चैप्टर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। इसके लिए जो रचयिता कवि हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और इसमें जो वर्णन है उस समय का वर्णन है जब माखनलाल चतुर्वेदी जी को अंग्रेजों के द्वारा कैद कर दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है, उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई हैं और उनको तरह तरह की यातनाएँ अंग्रेजों के द्वारा दी जा रही हैं। उन तरह तरह की यातनाओं में पोलियो का चलवाना, मौत जुआ भांग कर पानी का खिंचवाना, पत्थरों को तोड़वाना, खाने को न देना और चोर लुटेरे भिकमंगे और जेब कतरों के साथ में उनको बंद कर देना और उस समय सामने वाले वृक्ष पर बैठी हुई कोयल कुछ बोलती है और उसके बोलने को उन्होंने स्वीकार करते हुए और अपनी वेदना को उस कोयल के माध्यम से इस चैप्टर में व्यक्त किया है जो अंग्रेजों के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी को उस समय दी गई थी जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था, पराधीन था, वो जैसे कहते थे वैसा हमें करना पड़ता था। लेकिन एक दिन वो भी आया कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हम अच्छे से आज जी रहे हैं। तो उसी से रिलेटिव आज चैप्टर है। इसके लगभग 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे और 7वें प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। हमारा 7वां प्रश्न क्या है सुन लीजिए। कवि को कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है? इसके उत्तर में यदि देखें तो कोयल से ईर्षा का कारण सर्वप्रथम यह है कवि का, माखनलाल चतुर्वेदी जी का, क्योंकि जो कोयल का विचरण करने का जो स्थान होता है वो पूरा आकाश भर में है। वो पूरे आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती है, उड़ सकती है। उसका बैठने का स्थान भी हरियाली डाली, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी का कितना जगह है? 2 फुट, 3 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फुट का, और भी ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरे के आकार का हो वही है, उसी में वो अपना विचरण कर सकते हैं। कोयल के गीतों को भी लोग वाह वाह वाही देते हैं लेकिन मेरे गीतों को सुनकर लोग, अर्थात यहाँ तो यहाँ गीत की क्या, यहाँ रोने के अलावा और कुछ है नहीं। और भी उन्होंने बताई हैं ऐसी चीज़ें कि कभी जेल में बंद परतंत्र की वीडियो में जकड़ा हुआ है, उसे घोर यातनाएं दी जा रही हैं अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन कोयल को किसी भी प्रकार की कोई यातना नहीं दी जा रही है। कोयल मदमस्त होकर अपना विचरण कर रही है, मदमस्त होकर खा रही है, मदमस्त होकर सभी कार्यों को कर रही है, लेकिन हम इस जेल में बंद होकर कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब मदमस्त होकर हम कार्य नहीं कर रहे हैं और हमें तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही है, तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और बहुत सारे कठिन से कठिन ऐसे कार्य कर रहे हैं जीवन में जो हमने कभी किए नहीं है। हमें डंडे का हमारे ऊपर शासन है, हमारे चारों तरफ में घोरी घोर भयंकर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मार पड़ती है, कोल्हू खिंचवाया जाता है, जुआ भांग कर पानी खिंचवाया जाता है, हल से जोतना पड़ता है, गिट्टी कुटवाई जाती है, लेकिन कोयल तू स्वतंत्र है, तेरे ऊपर किसी का भी परतंत्र नहीं, तू स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, तेरा विचरण करने का भी स्थान बहुत अच्छा है, तू पूरे आकाश में विचरण कर सकती है, हरी हरी डालियों को खा सकती है, आम की मंजरियों को खा सकती है, लेकिन
लेकिन हमारे भाग्य में तो कुछ भी नहीं है। ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा यह कोयल का जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना, यह ईर्ष्या का कारण बन रहा है। उसकी स्वतंत्रता को लेकर, उसकी स्वाधीनता को लेकर कोयल की को उससे ईर्ष्या कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की चमकीली तथा वाह वाह भरी स्मृतियां अंकित हैं। इन्हें ही परतंत्रता रूपी संकट सागर पर तैरा कर नष्ट करने पर तुली है। अर्थात यहां कवि जो व्यक्त कर रहे हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तब हम अच्छे से जीने लग जाएंगे, और इन्हें ही परतंत्रता रूपी संकट सागर पर तैरा कर वह नष्ट करने पर तुली है। अर्थात जब वाह वाह गीत गा रही है कोयल और उसकी लोग वाह वाह कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये सभी वाह वाह भरी स्मृतियां अंकित हैं जो कि कोयल इन्हें ही परतंत्रता रूपी संकट सागर पर तैर कर वो नष्ट करने पर तुली है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? एक्चुअली अंग्रेजों के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई हैं। इनको आभूषण मानने का कारण यह है, या गहना इसलिए कहा गया है इनको, तथा गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। गहने जो होते हैं शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। चूंकि हथकड़ियां भी शरीर पर झूल रही हैं अतः इन्हें गहना कहा गया है। अर्थात यह देश की सुरक्षा के लिए, देश को स्वतंत्रता कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अगर हथकड़ियां ही नहीं हमें और कुछ भी पहना दिया जाए वह भी हम पहनने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनके हाथ में जो हथकड़ियां बंधी हुई हैं उनको वो गहना मानने हैं कि ये गहने हैं, ये यदि गहने हम पहने नहीं होते तो आज हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता, आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते, अंग्रेजों के अधीन होते, जैसा अंग्रेज कहते वैसा ही करते। ये हथकड़ियां नहीं, इन्हें ब्रिटिश सरकार की जो अहंकारिता है, उनके अकड़ है उनके अंतर्गत, उसको खाली करने के लिए और ये हमारे हाथों में हथकड़ियां हैं। इन हथकड़ियों के कारण आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो इन हथकड़ियां नहीं, ये स्वतंत्रता कराने में बड़ा ही कारण बनी है, साधन बनी है हथकड़ियां। ये हथकड़ियां नहीं है, ये आपका गहना है और ये बहुत ही खूबसूरत गहने हैं, बहुत ही अच्छे आभूषण हैं जो हमारे हाथों में बंधे हुए हैं, ऐसा यहां माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। यहां अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार देखने को मिलते हैं। यहां काली एक काले रंग के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और एक काला रंग जो है वह अंधकार अर्थात भयंकर कष्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कई काली शब्द, लगभग 8-9 बार काली शब्द का प्रयोग हुआ है। एक तरफ देखें तो यमक अलंकार की छटा देखने को प्राप्त होती है प्रस्तुत कविता में, और एक तरफ देखें तो आपकी अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को प्राप्त होती है। अक्सर जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की जितनी भी कविताएं हैं उन सभी कविताओं में अलंकारों की छटा देखने को प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको उस समय पहले कहा था कि जितनी भी एक काव्य सौंदर्य के लिए, एक काव्य के लिए, एक काव्य प्रबंध के लिए, एक कविता के लिए जितनी भी साहित्यिक विशेषताएं होनी चाहिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए उस कविता को, वे सारी विशेषताएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं में प्राप्त होती हैं।
जैसा कि यहां अनुप्रास और यमक अलंकार दोनों की छटा देखने को प्राप्त होती है। काली काली जो शब्द एक से अधिक बार आया है और सबके अर्थ अलग अलग हैं और एक किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, जैसा कि क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो दोनों अलंकारों की यह छटा देखने को मिलती है। यहाँ अनुप्रास अलंकार की भी छटा देखने को मिलती है इनकी काव्य पंक्तियों में और यमक अलंकार की और अनुप्रास अलंकार दोनों अलंकारों की छटा देखने को प्राप्त होती है इनके काव्यों में। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, अर्थात जब यह 11वां प्रश्न का पहला, इसमें दो क और ख भाग हैं, तो क की जो पंक्ति है उसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। क्या पंक्ति है? किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, अर्थात जब कोयल माखनलाल चतुर्वेदी जी के सामने वाले पेड़ पर बैठकर जब कुंकती है, बोलती है, आवाज देती है, गाती है, तो उससे प्रश्न करते हैं। यहाँ प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है इसका इस कविता में, कैदी और कोकिला में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया, तब प्रश्न किए हैं कोयल से आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे कोयल, यह बताओ आप इतनी अर्धरात्रि 12 बज रहे हैं, इतनी रात्रि में आपके बोलने का क्या कारण है? क्या तू किसी जंगल की भयंकर आग को देखकर घबराकर अपने मृदुल वैभव की सी रक्षा करने वाली बनकर तू मेरे सामने आई है? बात तो बता, क्या ऐसी बात है कि तुझे सुबह तक की भी प्रतीक्षा नहीं रही और तू आधी रात में ही कूकने के लिए चली आई, बोलने के लिए चली आई, जो कि हम वैसे ही घोर कष्ट में यहाँ पड़े हुए हैं, अंग्रेजों की जेल में पड़े हुए हैं, और उसमें भी तू तिस पर भी रणभेरी की तरह तू बोल रही है, अर्थात तू किसी भयंकर आग को, किसी भयंकर आग की ज्वालाओं को देखकर घबराकर तू आधी रात में अपने वर्चस्व को बचाने के लिए आई है? बात तो बता, यह इस पंक्ति का भावार्थ है। तेरे गीत कहा मैं बाह, रोना भी मुझे गुनाह है, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर। और दूसरा ख है 11 नंबर का, इसमें कह रहे हैं तेरे गीत गवाह। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, अर्थात यहाँ जो आपकी कोयल को देखकर कवि के अंदर एक चिंता होती है कि तेरे गीत कहा वे बाह, अर्थात तू जब गाती है कोयल तो तेरा गाना लोगों के लिए प्रशंसा की चीज हो जाती है, अर्थात लोग प्रशंसा करने लग जाते हैं तेरे गीतों की, तू जब गाती है, क्योंकि तेरा गाना जो है लोगों को बहुत ही मीठा लगता है, मधुर लगता है। बट रोना भी है मुझे गुनाह, जेल में स्वयं बंदे माखनलाल चतुर्वेदी जी वे कह रहे हैं मुझे तो इस जेल में रहकर रोना भी गुनाह है, अर्थात मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ, अगर रोऊंगा तो लोग कहेंगे अरे कौन कोई पागल हो रहा है, अर्थात तेरे गीत प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं और मेरा रोना लोगों के लिए गुनाह बन जाता है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया, अर्थात देख विषमता तेरी मेरी, कोयल तेरी वस्तुओं में और मेरी वस्तुओं में, अर्थात तेरे गाने में और मेरे गाने में कितना अंतर है, कितनी विषमता है, कितनी विपरीतता है, कितनी विलोमता है, बजा रही तिस पर रणवीरी, और उस पर भी तू रणवीरी युद्ध के लिए, अर्थात रणवीरी तिस पर भी तू युद्ध की आवाज में बोल रही है, युद्ध कराने की आवाज में बोल रही है, अर्थात एक कष्ट से तो हम एक कष्ट को तो भूल नहीं पाए, एक कष्ट को तो झेल नहीं पा रहे, दूसरे कष्ट के लिए तू रणभेरी बजा रही है, ये कोयल बता तो सही। तो इस प्रकार जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उन्होंने कैदी और कोकिला नामक चैप्टर के माध्यम से, एक कोयल के माध्यम से, एक मधुर पक्षी के माध्यम से, कोयल एक मधुर पक्षी है, स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी जी कैद में, जेल में बंद हैं और उस
कैद में बंद होकर जीवन में उनको या उस समय जिस समय जेल में बंद है उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कष्ट दिए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं भयंकर, उन सभी कष्टों को, सभी यातनाओं को, सभी कलमशताओं को वो कोयल के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कैदी और कोटला नामक पाठ के माध्यम से, शीर्षक के माध्यम से। यह चैप्टर आपका इस प्रकार फिनिश हो जाता है विद क्वेश्चन आंसर। ये दो भाग मैंने प्रश्न उत्तर के बनाए हैं, दो भाग मैंने, दो तीन भाग लगभग जो भी बनाए पहले वे मैंने इस चैप्टर की व्याख्या के बनाए हैं। कुल मिला के 5-6 भाग हो गए होंगे इस चैप्टर के। आप अच्छे से पढ़ें, बहुत सुंदर तरीके से सुने, स्वयं व्याख्या करें, स्वयं भावार्थ निकालें इन पंक्तियों में, स्वयं साहित्यिक विशेषताएं निकालें पंक्तियों में, और भी जो भी ज्ञान की दृष्टि से जो भी विशेषताएं होती हैं सबको देखें। उसके बाद में यदि आपको कोई तकलीफ है इस चैप्टर में तो आप सहर्ष कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।